आज हम बना रहे हैं कद्दू के कोफ्ते। क्राफ्ट एंड कल्चर में आप देख सकते हैं, ये है कद्दू के कोफ्ते। इसके लिए मुझे चाहिए कद्दू। ये मैंने कद्दूकश कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसको अब मैंने क्या करना है, इस तरह से उठा के इसका पूरा पानी मैंने निचोड़ देना है। जितना भी पानी इससे निकले वो आप निकाल लें। अलग प्लेट में रख दें। इसमें से पानी पूरा मैंने निकाल के ये अलग कर दिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। मसाले में पहले मैं ये डालूंगी, प्याज है ये हमारे पास, ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये पूरे मसाले जाते हैं हमारे पास, लेकिन ये मैं आपको बताती जाऊंगी कि हम ऐड करने वाले क्या हैं। पहले हम लहसुन और अदरक का ये पेस्ट डालेंगे, ये हम लाल मिर्च पाउडर और नमक डालेंगे, ये ज़ीरा पाउडर है, और ये हमारे पास हरी मिर्च, हरा धनिया, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और काली मिर्च। ये हम सब इसमें ऐड करके इसको आपस में मिक्स करेंगे पहले। अब इसमें हमने पूरे मसाले डाल दिए और इसको मिक्स कर दिया है आपस में। अब इसमें हमने डालना है बेसन। बेसन की एक कटोरी डालनी है हमने और इसको आपस में मिक्स करना है। ये पूरा मिक्स हो चुका है। अब इसके हम छोटे छोटे से बाल बनाएंगे कोफ्तों के लिए। इस शेप के आप बनाएंगे बाल्स। ये हमने कोफ्ते पूरे बना लिए हैं, अब इनको हम फ्राई करेंगे। घी गरम कर लें, उसके बाद आप मीडियम से लो फ्लेम तक घी को रखें और इसमें डालें कोफ्ते। अब ग्रेवी बनाने के लिए हमने इसमें घी डाल के उसमें हमने प्याज डाली है, उसको फ्राई कर रहे हैं, और उसमें हमने साबित मसाला भी डाल दिया है, उसको फ्राई करेंगे हल्का ब्राउन होने तक। ये हल्के ब्राउन हो जाएं तो तभी हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। डालेंगे मसाले। ये देखिए पूरे मसाले मैंने इसमें, पहले मैंने आपको बताए थे, दिखाए थे जो मसाले, वही मसाले इसमें भी ऐड करेंगे। ये पूरे मसाले हमने डाल दिए हैं। अब इसमें हम टमाटो प्यूरी बनाएंगे, टमाटर की कूट के ये हम डालेंगे इसमें। दो टमाटर मैंने दरमियानी साइज के लिए थे। ये टमाटर जब तक गल न जाए और पानी अपना पूरा इनका खुश्क ना हो जाए तब तक इनको हम हिलाते रहेंगे।
अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इतना सा पानी डालेंगे आधा चम्मच, ताकि ये थोड़ा मिक्स हो जाए और मसाला ज़्यादा हम देख सकें कि गल चुके हैं या नहीं। अब इसमें हम डालेंगे पानी, करेंगे और इसमें ऐड करेंगे ये कोफ्ते जो कि पहले से हमने बनाए थे। तैयार है कद्दू के कोफ्ते और इनको ये हम बंद कर देंगे।